आज बड़ा मेरा मन अभिभूत हुआ कि आपने उस परंपरा को खड़े हम माध्यम से गंगा मैया का आदेश है मनसा मैया को और मनसा मैया सेवा करने के कारण माँ ने माँ को आदेश दिया। जब तक लॉकडाउन है तब तक जो अपना गंगोत्री धाम है वहाँ का जितना भी खर्चा है वो मनसा मैया उठाएगी। जब तक लॉकडाउन है वो जितना भी खर्चा वहाँ होता है राजभोग हो जितने भी स्टाफ हो जो भी वहाँ खर्चा होता है वो सब मनसा देवी मंदिर से दिया जाएगा और मनसा मैया गंगा मैया की सेवा करेगी। ये गंगा मैया का आदेश है मनसा मैया दिया गया है कि कपाट जो पुजारीगण है रावल लोग हैं वो इस उचित डिसीजन को रखते हुए कम से कम संख्या में जाके इस क्रिया को करेंगे क्योंकि रावल इस समय यहाँ नहीं है दूसरी जगह पे प्रदेशों में नहीं नहीं तो यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो एक तरह से दूसरी जगह जा रहे हैं फिर क्वारंटाइन में रखने की बातें हो रही है। नहीं नहीं देखिए सरकार कैसे किन परिस्थितियों में कार्य करती है मुझे नहीं मालूम पर मैं गंगोत्री का बता रहा हूँ कि हमारे सरकार की भी वाइट आई है और हम उचित डिसीजनों के जो कर्म है जो नियम है जो परंपराएं हैं मैं सतपाल महाराज जी की वाइट भी सुन रहा था कल तो उन्होंने ये भी कहा कि ये परंपरा यथावत और यथा मुहूर्त के समय खोल दी जाएगी और ये नहीं होगी जैसे विगत वर्षों बहुत धूमधाम से बड़े विकाल जनसमूह के साथ होता था वो इस बार नहीं होगा और हम लोग पूरी तरह से इसका अनुपालन करेंगे और हमारा तो गंगोत्री में सैनिटाइजर जो भी सारे कार्य हैं वो सब यथावत संभव चल रहे हैं और उसका हम लोग घेराबंदी बना के उचित दिशा की प्रक्रिया यथावत संभव। विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्तर पर सेवाएं चला रही हैं। मैं गंगा जी की ओर से अपनी ओर से आप सभी का धन्यवाद साधुवाद और आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। युगो परंपरा है कि 6 माह के कपाट बंद हो जाते हैं और पुनः 6 माह बाद खुलते हैं जो कि इस बार अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को है और उसी परंपरा के अनुसार उसी जो समय लग्नानुसार ही कपाट खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए केंद्र सरकार जैसे अनुमति करेगी जैसे स्थिति देखेगी उसी के बाद श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे पर हम अपनी परंपरा को यथा मुहूर्त पर खोलेंगे। जैसे मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बताऊंगा कि ठीक 25 अप्रैल को मुखीमठ जो माँ भगवती गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है वहां से 12:30 पर गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी जो गंगा जी की उत्सव डोली होती है। रात्रि विश्राम ऐसी परंपरा है कि भैरव घाटी में रुकते हैं जहाँ पे भैरव बाबा के कपाट खुलते हैं।